Assalamu alaikum everyone. I am Miss Amna from Little Master Model School and hope you all are fine and also I am fine. This is your assignment number 3 of class 5 and part B. Write in Arabic numerals. अब हमारे पास जिस तरीके से हमने रोमन काउंटिंग की थी इसी तरीके से हमारे पास अरेबिक और रोमन न्यूमरल्स आते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि रोमन में किस तरीके से लिखते हैं हम और अरेबिक में कैसे लिखते हैं। अब ये आपके सामने रोमन दिए गए हैं और इसी तरीके से आपको अरेबिक में सॉल्व करना है। जिस तरीके से आपके पास रोमन नंबर्स दिए हुए हैं 2, तो 2 हमें किस तरीके से लिखते हैं अरेबिक नंबर्स। अरेबिक नंबर्स ही होते हैं सिंपल, इसको नंबर्स में लिखने के लिए हम लिखेंगे 2, यानी कि आई आई आपको पहले भी बता दिया गया था कि 2 होता है। इसी तरीके से एक्स एक्स आई, यानी कि एक्स क्या होता है 10, फिर एक्स है 10, 10 और 10 कितने हो गए 20, और आई क्या होता है 1 होता है, तो ये क्या हो गया 21। इसी तरीके से हमारे पास डी एल वी, डी हमें पता है 500 होता है, एल वी क्या होता है 55, यानी कि डी 500, फिर एल 50 और 5 आ गया हमारे पास वी। तो हम इसको अरेबिक न्यूमरल्स में कैसे लिख सकते हैं, 500, डी का हो गया हमारे पास 500 और एल होता है हमारे पास 50, वी हो गया 5 का 555। इसी तरीके से हमारे पास डी सी सी एक्स सी, यानी कि डी है, डी होता है हमारे पास 500, 500 सी हमारे पास होता है 100, फिर सी 100 यानी कि 500, 600, 700, 700 का हमारे पास आ गया 7 और एक्स ही हमें पता है 90 होता है तो हम लिख देंगे 90, 790। इसी तरीके से हमारे पास एक्स एक्स वी, एक्स हमें पता है 10 होता है, फिर एक्स है, फिर ये 10 यानी कि 20 और वी हमें पता है 5 होता है, तो यह हमारे पास क्या आ गया न्यूमरल्स 25। इसी तरीके से एक्स सी आई एक्स, एक्स सी हमें पता है 90 होता है और आई एक्स क्या होता है 9, तो हम किस तरीके से इसको लिख देंगे 99। अब इसी तरीके से हमारे पास एक्स 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 यानी कि 10 20 30, ये हो गया 30 और आई भी हमें पता है 4 होता है तो हम क्या लिख देंगे 34। अब हमें डी का अब तक याद हो गया है कि डी हमारे पास 500 होता है और एक्स 10 होता है, फिर एक्स 10 होता है तो 500 और ये 20 और हमारे पास आई आई 2 हो गया यानी कि 522। अब हमारे पास एल, एल हमें याद है कि 50 होता है, अब हमारे पास 10 हो गया, फिर 10, फिर 10 यानी कि 50, 60, 70, 80 और आई एक्स हमें पता है 9 होता है तो यहाँ पर अरेबिक न्यूमरल्स क्या आ जाएगा 89। सी एम एल, सी एम हमें पता है 900 होता है और एल हमारे पास 50 होता है तो ये इसका अरेबिक न्यूमरल्स क्या बन जाएगा 950। पार्ट सी का क्वेश्चन हमारे पास है राइट इन रोमन न्यूमरल्स। जिस तरीके से हमने अरेबिक लिखे इसी तरीके से अब हमें रोमन न्यूमरल्स लिखना है। अरेबिक दिए हुए हैं हमारे पास और रोमन हमें राइट करना है। अब 23, 23 हमारे पास किस तरीके से होता है 20, सबसे पहले तो हमें 20 पता है कि क्या होता है, एक्स मतलब 10, फिर एक्स 10, ये हो गया 20। अब 3 हमें पता है क्या होता है आई आई आई। इसी तरीके से 58, 58 हमें पता है L होता है, 50 का L होता है और 8 हमारे पास V I I I। अब इसी तरीके से 47, तो 40 हमें पता होना चाहिए क्या होता है, 40 होता है एक्स एल और इसी तरीके से 7 हमें पता है, 7 में होता है V I I। अब 99 हमारे पास एक्स सी हमें पता है कि 90 होता है, अब जब हम 9 लगा देंगे आगे तो क्या आ जाएगा आई एक्स। इसी तरीके से 1200, 1200 में सबसे पहले हमें 1000 पता है, 1000 क्या होता है 1000 होता है M और C 100, फिर C 100 यानी कि 1000, 1100 और 1200। इसी तरीके से 2510, हमें 2000 का पता होना चाहिए यानी कि अभी हमने पढ़ा 1000 का, 1000 होता है M, फिर 2000 लगाएंगे तो डबल एम हो जाएगा। अब इसी तरीके से 500 का हमें पता है क्या होता है, 500 का होता है डी और 10 हमें पता है एक्स होता है। इसी तरीके से 12 तो हमें पता है क्या होता है, 12 होता है एक्स और आई आई, 10 11 12। इसी तरीके से हमारे पास 34 यानी कि एक्स एक्स एक्स, ये हो गए 30 और 4 हमारे पास होता है आई वी।
अब हमारे पास 3500 है, तो 3000 के लिए कितने एम यूज़ करेंगे, एम हो गया 1000, फिर एम हो जाएगा 1000, फिर एम हो जाएगा 1000, तो ये बन गया 3000। और 500 के लिए हम यूज़ करते हैं डी, तो हमारे पास एम एम डी हो गया 3500। इसी तरीके से हमारे पास नंबर है, अरेबिक नंबर है 158, तो 100 हमारे पास सी होता है और 58 हमें पता है 50 का हो गया एल और 8 होता है वी आई आई आई। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड माई लेक्चर। इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन विद न्यू असाइनमेंट। वी टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।